नमस्कार दोस्तों, चैट जीपीटी के बारे में तो आपने अभी तक सुन ही लिया होगा या पर काफ़ी लोग इसको यूज में लेके देख लिए होंगे, क्योंकि इसकी जो चर्चा है आजकल बहुत जोरों शोरों से है। और मैंने भी इसका यूज करके देख लिया है, काफ़ी क्वेश्चन में इससे पूछा था और इसने जो भी आंसर दिया एकदम सही तरीके से सटीक आंसर और विस्तार रूप से मुझे समझाया था। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में एंड इंग्लिश में तीनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा था, तो आप भी पूछ के देख सकते हो। अगर आपने अभी तक इसको यूज में नहीं लिया तो एक बार ज़रूर यूज में ले लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट आपको वहाँ पर इसकी साइड में जाना, इसके बाद से ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन हो जाना और एक मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब कोई भी क्वेश्चन का ये सही तरीके से और विस्तार रूप से आंसर देता है, तो क्यों ना हम इस प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे कि किसी के भी एटीएम कार्ड की डिटेल्स ऑनलाइन कैसे पता करें या फिर फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करें। देखते हैं कि हमको ये किस प्रकार से आंसर देता है। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको करके नहीं बताऊँगा, जस्ट ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि क्या हम चैट जीपीटी से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमको आंसर किस प्रकार से देता है, या कोई थर्ड पार्टी वहाँ पर सजेस्ट करता है कि आपको इस साइड में जाना पड़ेगा तब जाके आपको पता चलेगा, या पर जो भी होगा हम वहाँ पर देख लेंगे, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो किस प्रकार से हमको आंसर देता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि घर बैठे CA कैसे बने, और देखते हैं कि उसका आंसर ये किस प्रकार से हमको देता है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने बहुत ही सही तरीके से आंसर देके और हमको समझाया कि CA बनने के लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम और परीक्षाएं करनी होंगी, लेकिन यदि आप इसमें रुचि रखते हैं और तैयारी करते हैं तो आप CA बन सकते हैं, और इस प्रकार से पॉइंट देके और समझाया है। अगर आप इस आंसर से संतुष्ट नहीं हो तो आप यहाँ पर दोबारा से आंसर जनरेट कर सकते हो। इसके बाद से यहाँ पर इसने इस बार में इंग्लिश में आंसर दे के समझा रहा है, तो इस बार इसने 10 पॉइंट में हमको समझा दिया कि घर बैठे से ये किस प्रकार से बन सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ के बता देता हूँ कि उसका आंसर किस प्रकार से मिलता है। तो इस बार मैंने क्वेश्चन किया कि फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करें, तो उसका आंसर यहाँ पर ये दे रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसने आंसर दे दिया कि हाँ, आप फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पर जा सकते हो। यहाँ पर कुछ वेबसाइटों के नाम भी दे रखा है, तो इस प्रकार से इसने समझा दिया बहुत ही सही तरीके से। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक और क्वेश्चन इससे पूछा था कि किसी के भी एटीएम कार्ड की डिटेल्स कैसे पता करें ऑनलाइन, तो इसने आंसर दे दिया है बहुत ही सही तरीके से और सटीक आंसर दिया है कि एटीएम कार्ड की डिटेल्स ऑनलाइन पता करने का संभवतः कोई सुनिश्चित तरीका नहीं है, क्योंकि एटीएम कार्ड पहले से ही एक गोपनीयता सुरक्षित सुविधा है और उनकी जानकारी केवल व्यक्तिगत होती है। इसलिए यदि आप किसी एटीएम कार्ड की डिटेल्स को पता करना चाहते हैं तो आपको उससे सीधे संपर्क करना होगा और अनुरोध करना होगा। इस प्रकार से आंसर दिया जो कि सही आंसर है। कोई भी ऑनलाइन तरीका नहीं है कि किसी के भी एटीएम कार्ड की डिटेल्स हम ऑनलाइन कैसे पता कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।